नमस्ते आदाब सत श्रीकाल दोज यू डोंट नो मी दिस इज मी एलिस राज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल स्टेप्स टुवर्ड्स द बिगर ड्रीम्स। तो आज का मेरा टॉपिक है आइसोटोप्स। ये नाइन्थ क्लास की जो है वो बुक्स में पाया जाता है, तो नाइन्थ क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो निकालना सिखाया था, मैंने उसके तीन मेथड सिखाया था कि एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन आप कैसे निकालते हो। तो उसी के साथ जो है ये आइसोटोप लेना था मुझे, पर आई स्टार्टेड द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सीरीज, तो इसी वजह से मैं नहीं ले पाई। तो मैं अब क्योंकि मेरा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर खत्म हो गया है, तो आई एम गोइंग टू टेक दिस टॉपिक। तो इस टॉपिक को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपकी बुक के अंदर है, और अगर आप इसे नहीं समझोगे तो फिर आपको जो है वो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो आप निकाल लोगे, लेकिन उसके बाद अगर आपको कुछ ऐसी सिचुएशन देखेगी तो आप अटक जाओगे, ठीक है। तो एग्जामिनेशन में बाहर से एग्जाम्स आते हैं तो उसमें आप अटक जाओगे, तो ये टॉपिक को जो है वो पूरा आप एंड तक देखना। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि भाई आइसोटोप्स होते क्या हैं। तो आइसोटोप्स इन्वॉल्व न्यूट्रॉन्स एंड इट्स नॉट रिलेटेड टू एटॉमिक नंबर। मतलब ये सिर्फ न्यूट्रॉन से रिलेटेड है, ये एटॉमिक नंबर को चेंज नहीं करता, ये एटॉमिक नंबर को इफेक्ट नहीं करता, ठीक है ना। ये एटॉमिक नंबर को इफेक्ट नहीं करता, ये प्रोटॉन को इफेक्ट नहीं करता, ये इलेक्ट्रॉन को इफेक्ट नहीं करता, ये क्या सिर्फ न्यूट्रॉन से रिलेटेड है, क्योंकि ये सिर्फ न्यूट्रॉन को ही इफेक्ट करता है, ठीक है ना। तो चिल्ड्रन अब क्या है, अब हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि हमारा एटॉमिक नंबर जो है वो इक्वल टू होता है प्रोटॉन के और इक्वल टू होता है इलेक्ट्रॉन के, राइट, है ना। और अगर हमारे को मास नंबर चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो है क्या कहते हैं इस न्यूट्रॉन और एटॉमिक नंबर को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तभी हमारे को मास नंबर मिल जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, नेचुरली हमारे को अगर जैसे हम लोग कार्बन की बात कर रहे हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है, ठीक है ना। तो अब हम लोग कार्बन की बात कर रहे हैं तो हम लोग कार्बन निकालेंगे तो उसमें क्या होता है, हमारा एटॉमिक नंबर 6 होता है और न्यूट्रॉन भी हमारा 6 होता है, ठीक है। लेकिन आइसोटोप्स में क्या हो रहा है, ये सिर्फ न्यूट्रॉन्स को जो है वो इन्वॉल्व कर रहा है, तो इसका मतलब जो है वो सिर्फ न्यूट्रॉन्स पे इफेक्ट डाल रहा है। तो नॉर्मली जो न्यूट्रॉन है वो तो हमारा 6 रहता है, ये कार्बन 12 है, ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है ना। तो यह नॉर्मल है तो इसके अंदर हमारा प्रोटॉन भी क्या कहते हैं 6 है, हमारा एटॉमिक नंबर भी 6 है, हमारा न्यूट्रॉन भी 6 है। इसी वजह से हम जब क्या कहते हैं एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन को प्लस करेंगे तो हमारा मास नंबर भी जो है वो 12 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये वेरी कॉमन है, ये स्टेबल है, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल चीज़ है जो हम लोग पीरियोडिक टेबल के अंदर देखते हैं, राइट। लेकिन अब कार्बन 13 की बात करते हैं, तो कार्बन 13 क्या है, इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया चिल्ड्रन, आइसोटोप्स इन्वॉल्व्स ओनली न्यूट्रॉन्स। तो क्या चेंज होंगे यहाँ पे, सिर्फ न्यूट्रॉन, मतलब मेरा एटॉमिक नंबर जो है वो 6 रहेगा, मेरा प्रोटॉन 6 रहेगा, मेरा इलेक्ट्रॉन 6 रहेगा, लेकिन न्यूट्रॉन जो होगा वो 7 हो जाएगा। तो इसी वजह से मेरा मास नंबर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एटॉमिक नंबर, इट इन्वॉल्व्स न्यूट्रॉन, दस चेंजिंग माई एटॉमिक नंबर, मास नंबर आई शुड से। द कार्बन हैज सिक्स एटॉमिक नंबर, दैट मीन्स इट हैज 6 प्रोटॉन्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, है ना। 6 एटॉमिक नंबर है तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, राइट। बट न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है ना। मतलब न्यूट्रॉन्स यहाँ पे डिफरेंट हो जाते हैं जब हम आइसोटोप्स की बात करते हैं। अब कार्बन 14 भी होता है, ये भी हम लोगों को देखने को मिलता है, कार्बन 13 है ये भी देखने को मिलता है, ये भी स्टेबल तरीके एक तरीके से स्टेबल कहलाता है, लेकिन 14 स्टेबल बिल्कुल भी नहीं कहलाता। यहाँ पे हमारा न्यूट्रॉन, ऑब्वियसली बात है, जैसे मैंने आपको बताया न्यूट्रॉन चेंज होगा, कार्बन का हमारा प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है, तो न्यूट्रॉन चेंज होता है तो मास नंबर भी चेंज हो जाता है, राइट, है ना। क्योंकि मास नंबर कैसे आता है, एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन इज मास नंबर, राइट, है ना। तो इसी वजह से मास नंबर इज चेंजिंग ओवर हियर इन कार्बन 13 एंड मास नंबर इज चेंजिंग ओवर हियर इन कार्बन 14 एज न्यूट्रॉन इज बीन चेंज इन बोथ ऑफ दिस, ठीक है। नाउ इट इज़ वेरी रेयर टू बी सीन एंड इट इज़ नॉट एट ऑल स्टेबल, बिकॉज इट इज़ नॉट एट ऑल स्टेबल, इट इज़ रेडियो एक्टिव। वाई इट इज़ नॉट स्टेबल, बिकॉज इट इज़ रेडियो एक्टिव। समझ में आया चिल्ड्रन। तो दिस इज़ वेरी कॉमन, दिस इज़ वेरी कॉमन, दिस इज़ स्टेबल एंड कैन बी सीन, इट इज़ वेरी रेयर एंड इट इज़ नॉट स्टेबल एट ऑल। तो अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी क्या चेंज होता है, क्या चेंज होता है, क्या चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो एलिमेंट नेम एंड द सिंबल रिमेन सेम, मतलब अगर मैं यहाँ पे Na की बात कर रही हूँ तो मेरा Na का सिंबल सेम रहेगा और Na का नेम जो होता है सोडियम, तो वो सेम रहेगा। मैं यहाँ पे कार्बन की बात कर रही थी तो कार्बन नाम सेम रहेगा और कार्बन का सिंबल भी जो है वो सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होता। फिर उसके बाद क्या चेंज नहीं होता, द एटॉमिक नंबर रिमेन सेम, हैंस द प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एलिमेंट्स रिमेन सेम, ठीक है ना।
तो अटोमिक नंबर सेम रहता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम रहता है, यही मैं आपको तब से बता रही थी, ठीक है ना। अब क्या चेंज हो जाता है, द न्यूट्रॉन ऑफ द एलिमेंट चेंजेस, हैंस चेंजेस द मास नंबर ऑफ दैट एलिमेंट, राइट। ओनली टू थिंग्स चेंजेस, न्यूट्रॉन चेंज होता है, इसी वजह से मास नंबर चेंज हो जाता है, दैट्स वॉट वी आर डिस्कसिंग एंड लर्निंग फ्रॉम दैट टाइम, राइट। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो मैंने यहाँ पे, एक मैं क्लोजर लुक ले लेती हूँ, तो ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो मैंने यहाँ पे बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए। तो अब मैंने आपको बताया था कि प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है ना। दिस इज़ माई न्यूक्लियस, है ना, ये मेरा न्यूक्लियस है, और ये सब मेरे क्या हैं, ये सब मेरे शेल्स हैं, है ना, दीज आर माई शेल्स, है ना। और शेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर रिवॉल्व करते हैं, वो हमेशा घूमते रहते हैं, तो उनकी देर इज़ नो फिक्स प्लेस फॉर द इलेक्ट्रॉन्स, दे बिकॉज दे आर ऑलवेज रिवॉल्विंग, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग ओनली इन द शेल, राइट। तो न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन्स पाए जाते हैं एंड न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, राइट। तो प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज, ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, राइट। तो पॉजिटिव पॉजिटिव है दोनों, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, है। तो कौन इसको स्टेबल करता है, न्यूट्रॉन्स स्टेबल करते हैं, बिकॉज न्यूट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रोटॉन्स आते हैं, ठीक है ना, एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, बिकॉज ऑब्वियसली बात है कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो प्रोटॉन और 6, तो इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो 6। बट यहाँ पे अब क्या हो रहा है, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं वन मोर न्यूट्रॉन इज एडेड, ठीक है ना। तो हम कार्बन की 12, प्रीवियसली वी वर टॉकिंग अबाउट कार्बन 12, तो 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन, एवरीथिंग इज 666, मास नंबर इज 12, राइट। बट नाउ वॉट वी हैव डन, वी हैव एडेड वन न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, तो उससे क्या हो गया, कार्बन 13 हो गया, एंड मास नंबर इज ऑल्सो चेंज, ना मास नंबर हैज़ बिकम 13, बिकॉज न्यूट्रॉन इज नाउ 7, ठीक है, बिकेम 7 एज वन मोर एडेड, समझ में आया। चलो, वन मोर न्यूट्रॉन एडेड मेकिंग इट कार्बन 13, मास नंबर 13 मास नंबर एज नाउ पी इज 6 लाइक बिफोर, बट न्यूट्रॉन बिकेम 7 एज वन मोर इज एडेड, समझ में आ रहा है। चलो चलो अब ये देख लेते हैं हम लोग क्या होता है, कैन आइसोटॉप्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, येस ऑब्वियसली दे कैन फॉर्म केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड फॉर्म करेंगे तभी तो उनका कुछ बन पाएगा, येस एस बॉन्ड इज मेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब हम तो न्यूट्रॉन चेंज कर रहे हैं ना, न्यूट्रॉन्स आर इन द न्यूक्लियस, बट बॉन्ड्स आर मेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन द शेल, राइट, इन द आउटर सर्कल ऑफ द, दे आर नॉट इन द न्यूक्लियस, दे आर इन द शेल, दे आर आउटर साइड, राइट। सो दे आर मेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, एंड इन आइसोटोप्स पी एंड ई रेमेन द सेम, पी इज प्रोटॉन एंड ई इज इलेक्ट्रॉन, रिमेन द सेम सो दैट दे कैन मेक द बॉन्ड्स, ठीक है ना। अब दे हैव ऑलमोस्ट सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, भले ही आइसोटोप जो है वो केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं, सेकेंड पॉइंट हमारे को ये बता रहा है दे ऑलमोस्ट हैव द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, वाई, बिकॉज ओनली वन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, ठीक है ना। तो न्यूट्रॉन की प्रॉपर डेफिनेशन है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन रिमेन्स द सेम, बट न्यूट्रॉन इन आइसोटोप्स विल बी वन मोर देन यूजुअल, हैंस मास नंबर विल बी चेंज्ड टू, ठीक है ना। तो अब ये एक टिप है चिल्ड्रन, अब यहाँ पे एक टिप क्या है कि हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं ना, हम लोग सब्सट्रैक्ट करके भी निकालते हैं, राइट। हम लोगों को कभी कभी मास नंबर निकालना पड़ता है ना, या कभी कभी हमें एटॉमिक नंबर निकालना पड़ता है। तो कुछ भी सब्सट्रैक्ट करने के टाइम पे अगर हमारा 30.97 मतलब 30.91 या 30.97 या 20 पॉइंट मतलब कोई भी न्यूमेरिकल 0.9192 ऐसे आ रहा है ना, तो उसको हम लोग प्लस कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग प्लस कर देंगे तो वो हमारा 31 हो जाएगा, इट नो लॉन्गर बी कंसिडर एट 30.97, इट विल बी कंसिडर एट 31, ठीक है, ठीक है। तो पॉइंट अगर हमारा कुछ भी आ रहा है और जो वो 90 से ऊपर है, तो हम लोग उसको जो है वो नेक्स्ट वैल्यू में कंसिडर कर सकते हैं, 31, 21, 22 जैसे भी है, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज है एक तरीके की जो मैंने यहाँ पे आपको करके दिखा रखी है, तो ये कैल्शियम की है, ठीक है ना। तो कैल्शियम का हमारा नॉर्मल क्या रहता है, 20 रहता है, तो इसका मास नंबर भी हमारा कितना रहता है, 40 रहता है, ठीक है। 20 न्यूट्रॉन है, 20 अटोमिक नंबर है, तो मास नंबर 40 हो गया, लेकिन यहाँ पे 42 भी है, 44 भी है, दैट मीन्स दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ दी, दीज टू आर दी आइसोटोप्स ऑफ दी कैल्शियम,
राइट। तो अब आइसोटोप में क्या चेंज हो रहा है, हम लोगों को सिर्फ एक ही चेंज होगी, एक ही चीज़ को हम लोगों को इन्वॉल्व करना है, दैट इज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को हम लोग चेंज करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली मास नंबर चेंज हो जाएगा। तो अटोमिक नंबर हमारा 20 है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 20 है, अटोमिक नंबर में हम लोगों ने न्यूट्रॉन को ऐड किया तो हमारा 42 मास नंबर हो गया। कैल्शियम 44 है, तो 44 में क्या है 20 तो ये रहेगा ही रहेगा, ये 24 हो जाएगा, राइट है ना, तभी तो हमारा मास नंबर 44 रहेगा, राइट। सो आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड ओवर हियर इन दिस आइसोटोप दिस टॉपिक, है ना। अब ये टॉपिक मेरा फिनिश हो चुका है, ये एक्सरसाइज आपके लिए है, ठीक है ना। तो इसमें आपको पहले देख लेना है कि व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर एंड विच वन इज़ मास नंबर, ठीक है ना। तो आपको लोगों को इसमें ज़रूर से ध्यान रखना है कि मैं कैल्शियम की बात कर रही हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा एटॉमिक नंबर है, कौन सा जो है वो मास नंबर है, क्योंकि ये एक्सरसाइज मैं पहले आपको करा चुकी हूँ। अगर आपने वो मेरी ये स्टैंडर्डाइज वे जो हम लोग लिखते हैं एक्स जेड जेड एन ए का जो हम लोग ऐसे स्टैंडर्डाइज वे जो हम लोग लिखते हैं, ये अगर आपने नहीं देखा है, सॉरी ए एन जेड नहीं देखा है, तो आप इसको ज़रूर से देखिएगा। और इसमें आप मुझे बताना, ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि विच वन इज़ आइसोटोप, ठीक है ना, विच वन इज़ आइसोटोप, और कौन सा जो है हम लोग नॉर्मली हम लोग अपने पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, विच वन इज़ नॉर्मली सीन एंड विच वन इज़ नॉर्मली सीन। इसमें से कौन सा नॉर्मल है, कौन सा हम लोग पीरियोडिक टेबल में नॉर्मली हम लोग देखते हैं, और कौन सा हमारा आइसोटोप है, ठीक है ना। तो ये आपको ये मेथड अगर आपने मेरा नहीं पहले देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो लिंक दे दूंगी प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का, जिसमें मैंने ये मेथड सिखाया था, उसमें से आप देख सकते हो कैसे फाइंड करना है, कैसे फाइंड नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए है, डू प्रैक्टिस एंड आई होप यू गाइज अंडरस्टूड इट। दिस इज़ एलिस राज साइनिंग ऑफ।